चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका 1961 से पूर्व इस पर किसका शासनकाल था? ठीक, तो 1961 से पूर्व इस पर पुर्तगाल का शासनकाल था। इसका शासनकाल था पुर्तगाल का शासन। गोवा के बारे में कुछ जान लेते हैं। गोवा की राजधानी, गोवा के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा सीटों की संख्या, लोकसभा सीटों की संख्या, राज्यसभा सीटों की संख्या। ठीक है, गोवा की राजधानी है पणजी, जो कि मांडवी नदी के किनारे बसा है। इसके मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। राज्यपाल है श्रीधरन पिल्ले। तो यानी पहला क्वेश्चन था, गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 1961 से पूर्व इस पर किसका शासनकाल था? तो 1961 से पूर्व गोवा पे पुर्तगाल का शासनकाल था। गोवा की राजधानी हो गई पणजी, जो कि मांडवी नदी के किनारे बसा है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हो गया, राज्यपाल हो गया श्रीधरन पिल्ले। इसमें विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40। लोकसभा सीटों की संख्या 2, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। गोवा के बारे में और जानकारी हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। गोवा का सबसे बड़ा शहर वास्को डी गामा है। क्या है? गोवा का सबसे बड़ा शहर वास्को डी गामा है। यह जुआरी नदी के किनारे बसा है। ठीक है, चलिए गोवा के बारे में और जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। तो हम गोवा के बारे में और देखते हैं। गोवा के बारे में और जानकारी, गोवा को 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा मुक्त कराया गया था। ठीक है, गोवा शहर जो है, गोवा राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक से घिरा। ठीक है, गोवा 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा मुक्त कराया गया था। गोवा महाराष्ट्र और कर्नाटक से घिरा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं।
गोवा के तट को, गोवा के तट को कोंकण तट कहा जाता है। ठीक है, गोवा के तट को कोंकण तट कहा जाता है। और जो कि गोवा की भाषा कोंकणी है। कोंकणी कौन सी भाषा है? गोवा की भाषा कोंकणी है। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, हमेशा पूछता है, जब एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, पूछता है पुर्तगाल का अंतिम वायसराय कौन था। पुर्तगाल का अंतिम वायसराय कौन था? तो पुर्तगाल का अंतिम वायसराय वास्लो ई सिल्वा। तो पुर्तगाल का अंतिम वायसराय कौन था? वास्लो ई सिल्वा था। गोवा को, यहाँ पर एक क्वेश्चन इतिहास से और बनता है कि गोवा को 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से पुर्तगालियों ने छीन लिया 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से पुर्तगालियों ने छीन लिया। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का शासक था। बीजापुर का शासक था। गोवा के बारे में हम और कुछ जानते हैं। गोवा के लोक नृत्य होते हैं, गोवा के कुछ महत्वपूर्ण नृत्य हम देख लेते हैं। गोवा के महत्वपूर्ण नृत्य, गोवा का महत्वपूर्ण नृत्य कौन कौन? फुगादी ढालो वाला नृत्य है, फुगादी ढालो, फुगादी ढालो, लैम, उसके बाद लैम, कुनबी और गाफ। कौन कौन? फुगादी ढालो, लैम, फुगदी, गाफ। गोवा के महत्वपूर्ण नृत्य कौन कौन से हैं? फुगादी ढालो, लैम, कुनबी और पांचवा क्या होगा? गाफ होगा। गोवा का लोक थिएटर किसे कहते हैं? गोवा का लोक थिएटर
किसे कहते हैं? गोवा का लोक थिएटर किसे कहते हैं? तो गोवा का लोक थिएटर तियत्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तियत्र को गोवा का लोक थिएटर कहा जाता है। इसको तियत्र को गोवा का, ठीक है। गोवा के महोत्सव के बारे में जान लेते हैं। गोवा के महोत्सव, गोवा के महत्वपूर्ण क्या महोत्सव, गोवा के महत्वपूर्ण महोत्सव कौन कौन से हैं? गोवा के महत्वपूर्ण महोत्सव हैं सिग्मो उत्सव, पहला है सिग्मो उत्सव, दूसरा है साओ जाओ उत्सव, तीसरा है तीसरा जाने दीजिए। गोवा के बारे में जान लेते हैं। गोवा के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान क्या? गोवा के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, तो गोवा के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? गोवा के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, पहला है महावीर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। गोवा के महत्वपूर्ण उसका एक ही है, उसका नाम है महावीर राष्ट्रीय उद्यान। गोवा के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान में से महावीर राष्ट्रीय उद्यान सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बारे में एक क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूजिंग वाला रहता है कि सलीम अली अच्छी बिहार, और इसी का दूसरा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये हमेशा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान होता है। सलीम अली पक्षी विहार कहाँ पे है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ है? जम्मू कश्मीर। और पक्षी विहार जो है ये है गोवा में। सलीम अली पक्षी विहार गोवा में, और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। गोवा के बारे में और कुछ गोवा की भाषा हो गया, राजधानी हो गया, मुद्रा हो गया, और कुछ हाँ गोवा के बारे में और कुछ हम जान लेते हैं। गोवा के पहले सीएम थे दयानंद बंदोदकर। गोवा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? दयानंद बंदोदकर। गोवा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोवा के यहाँ लिख देते हैं,
गोवा के पहले मुख्यमंत्री दयानंद वलूदकर थे। खुले में देखिए गोवा के बारे में कुछ करंट चीजें जान लेते हैं। गोवा के बारे में करंट करंट अफेयर, चलो गोवा के बारे में करंट अफेयर है। पहला है खुले में शौच एवं बिजली प्राप्त करने वाला, खुले में शौच मुक्त एवं बिजली प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? खुले में शौच मुक्त एवं बिजली प्राप्त करने वाला हर घर, क्या है? हर घर खुले में शौच मुक्त एवं बिजली प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है, कौन सा? गोवा। इसके बारे में तो यानी खुले में शौच मुक्त मतलब ODF यानी इसको हिंदी में खुले में शौच, खुले में शौच मुक्त वाला पहला राज्य जो पूछे हैं, पहला राज्य सिक्किम था। क्या था? पहला राज्य सिक्किम था जो 2016 में कब घोषित किया गया? 2016 में घोषित किया गया इसको ODF मुक्त। चलिए आगे देखते हैं। गोवा के बारे में गोवा जल जीवन मिशन पूरा करने वाला पहला राज्य था। गोवा जल जीवन मिशन पूरा करने वाला पहला राज्य था। गोवा में 400 करोड़ लागत का एक मत्स्य केंद्र खोला गया। 400 करोड़ लागत का एक मत्स्य पालन केंद्र खोला गया, ठीक है। गोवा में 400 करोड़ लागत का एक मत्स्य पालन केंद्र खोला गया जो कि भारत का सबसे बड़ा मत्स्य केंद्र है। भारत का सबसे बड़ा मत्स्य केंद्र है। गोवा में ही भारत का पहला रेत टीला पार्क
खोला गया। गोवा में भारत का पहला रेड किला पार्क खोला गया। गोवा है जो गोवा 100% पानी देने वाला पहला राज्य है। गोवा 100% फ्री दे पानी देने वाला भारत का पहला राज्य है। गोवा 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 भारत का पहला राज्य है। पहला राज्य है जो कि रेबीज मुक्त हुआ था। रेबीज मुक्त हुआ था। गोवा भारत का पहला राज्य है जो कि रेबीज क्या हुआ था, मुक्त हुआ था। रेबीज मुक्त हुआ था। भारत का पहला राज्य है जो गोवा रेबीज मुक्त हुआ था। गोवा का एक पेय पदार्थ है, उसका नाम है गोवा का गोवा के पेय पदार्थ को गोवा के पेय पदार्थ को फेनी फेनी कहा जाता है। फेनी कहा जाता है। गोवा में कुछ जीआई टैग दिए गए हैं, उसके बारे में गोवा के कुछ चीजों को जीआई टैग दिए हैं। गोवा के कुछ वस्तुओं को गोवा के जीआई टैग पहला है मोइरा मोइरा केला। दूसरा है हरमल मिर्च और तीसरा है हरमल मिर्च, तीसरा है खाजा मिठाई और चौथा है ये इतना क्वेश्चन गोवा के बारे में था। इतना क्वेश्चन गोवा के बारे में था। चलिए हम अगली हेडलाइन देख लेते हैं। क्या था? भारत व मध्य एशिया के विदेश मंत्रियों की तीसरी वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। क्या है? भारत और मध्य एशिया के विदेश मंत्रियों की तीसरी वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली।
तो इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि मध्य एशिया में कुल कितने देश हैं? पांच देश हैं। तो हम पांच देशों के राज्य और राजधानी और मुद्रा के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। पहला है किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। दूसरा उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तीसरा है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। चौथा है तुर्कमेनिस्तान। चौथा है तजाकिस्तान, तजाकिस्तान। और पांचवा है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। पांचवा है कजाकिस्तान, ठीक है। पहला है किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, 1, 2, 3, 4, 5 और कजाकिस्तान, ठीक है। तो कजाकिस्तान की राजधानी है क्या है? इसकी राजधानी है, यहाँ राजधानी के बारे में लिख देते हैं, कौन सी राजधानी और यहाँ मुद्रा। तो कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान। क्या है? नूर सुल्तान। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? नूर सुल्तान, नूर सुल्तान। कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान। इसकी मुद्रा है टेग, टेग। इसकी मुद्रा है टेग। और उसके बाद उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। इसकी मुद्रा का नाम है क्या है? सोम। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशखाबाद, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशखाबाद, तुर्कमेनिस्तान का अशखाबाद। इसकी मुद्रा है मनक। इसकी क्या मुद्रा है? मनक। और किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, बिश्केक। क्या है? किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। और इसकी मुद्रा है सोम। इसकी मुद्रा क्या है? सोम। इसमें से 1, 2, 3, 4, 5 किर्गिस्तान, कजाकिस्तान दो, टेंग, और तजाकिस्तान दूसरा है सोमानी। इसकी राजधानी है दुशांबे और मुद्रा है सोमानी। क्या है? सोमानी। देखिए किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, मुद्रा सोम। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, मुद्रा सोम। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशखाबाद, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे, मुद्रा सोमानी। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान और टेग, ठीक है। देखिए हाँ, 1966 में यही थे ताशकंद हुए। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री क्या हुए? लाल बहादुर शास्त्री की
मृत्यु हो गई थी। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। देखिए मध्य एशिया के जो ये पांच देश थे, छब्बीस जनवरी 2022 के मुख्य अतिथि 26 जनवरी 2022 के मुख्य अतिथि मध्य एशियाई पूछेगा क्वेश्चन, 26 जनवरी 2022 के मुख्य अतिथि कौन थे, कौन होंगे 26 जनवरी 2022 के मुख्य अतिथि कौन होंगे। इसका आंसर हो गया मध्य एशियाई, मध्य एशिया के। ठीक है।